इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मुल्क के अंदर लॉकडाउन है और दूसरा लॉकडाउन दो, यानी कि उसको भी 15 दिन तक और तवील किया गया। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर रियासत जनाब सतीश जारकीहोली साहब। हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले सतीश जारकीहोली साहब, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। जिस कदर मोदी हुकूमत अपनी एक तरफा फैसले ले रही है, और ये लॉकडाउन भी हो, इससे पहले भी नोटबंदी है, फिर GST का भी मामला हुआ, तो ये तमाम तर जो फैसले एक तरफा लिए जा रहे हैं, और अपोजिशन कहीं तो कमज़ोर होता नज़र आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल क्यों किए नहीं जा रहे? नहीं, अभी मोदी जी क्या किया नहीं किया ये अभी चर्चा करने की वो टाइम नहीं है, क्योंकि हमको सब जीना है, बचाना है। जो भी है, ये फाउंडेशन वाले अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे अब ये हमको अभी बहुत ज़रूरी है, नीडी है। नहीं, लेकिन वो लोग तो उनके कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, दुनिया भी लड़ रही है, लेकिन वो सोनिया गांधी के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कई सारे जगह पे मुकदमात भी दायर किए गए, तो क्या उनके लिए ये वक्त ऐसा सही है? मैं अभी तो कुछ वक्त रहता है, चलता है, तब तक तो कुछ भी बोले चलेगा, मगर एक वक्त आता है, वक्त तो सबका आता है, वो आने तक हमको इंतज़ार करना पड़ता है, और कोई उसके लिए दवा नहीं है, कोई भी दुनिया में दवा नहीं है। मगर बोलते हैं ना, आप सब्र करो, फल मीठा होता है, ऐसे होता है, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत 7 साल में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, पूछने वाला भी कोई नहीं है, उसको TV में दिखाने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी चल रहा है, मगर अभी उसका सही टाइम नहीं है। मगर अभी हमको जो हमारे सामने जो है सवाल, उसको हमको हल करना है, वो करेंगे। नहीं, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह से कम्युनल कार्ड खेला जा रहा है कि मुसलमानों को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की वजह से ही ये कोरोना फैला है, 29% TV के अंदर हर रोज़ डिबेट इसी की तरह दिखाया जाए, जो ये कम्युनल कार्ड जहाँ पर विश्वगुरु बनने की बात की जा रही है, वसुदेव कुटुंबकम की बात की जा रही है, तो ऐसे में इस तरह के नफरत का खेल करके जो इख्तदार हासिल कर रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है कि अपोजिशन में जो कांग्रेस है वो क्यों दमदार आवाज़ नहीं उठा पा रही? नहीं कर रहे हैं, मगर उसके लिए बहुत कारण है ना, मैंने बताया ना, बहुत कारण है। हिंदू मुस्लिम बांटने के लिए अभी से आज का कोरोना में 70 साल में नहीं, इसका 5000 साल इतिहास है, वो पढ़ना चाहिए, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, तभी से मगर ये खेल खेल रहा है। मगर कभी देश बंटवारा नहीं हुआ है, मिल के जी रहे हैं, मगर वो टाइम पे टाइम करते रहते हैं, मगर हमको होशियारी से काम लेना है, कदम रखना है, कभी हिंदू मुस्लिम भारत देश में अलग नहीं हो जाएंगे, साथ में रहेंगे। अब तो ये इनका एजेंडा ही है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जनसंघ से आया हुआ यह BJP है, इनकी आइडियोलॉजी है गोलवलकर सावरकर की, इसी नीति पर चले हैं, अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ने में भी इनका ये गुदान नहीं रहा, लेकिन आज वो मुसलमानों से पूछते हैं कि आपका जो है इस मुल्क हुब्बुल वतनी का वो सर्टिफिकेट पूछते हैं। नहीं, मुस्लिम का तो योगदान बहुत रहा है, बिफोर इंडिपेंड आफ्टर इंडिपेंड में उनका बहुत योगदान रहा है, ऐसा नहीं है, मगर वो तो बांटने की कोशिश तो करता रहता है, मगर वो हम उसको सही ढंग से जाना है, उसको इग्नोर करना है, ये टाइम पर कभी टाइम आएंगे तो बताएंगे, अभी तो हमको कोरोना से लड़ना है, लड़ेंगे। शुक्रिया। ये थे वो साबिक वज़ीर जनाब सतीश जारकीहोली साहब, उन्होंने कई सारे बातों का खुलासा किया और कहा कि वक्त आना है और वो वक्त के इंतज़ार में है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।